दिल्ली के जंतर मंतर पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाए धरने पर बैठी ये महिला ओम शांति शर्मा हैं। आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी का पोस्टर लगाए जंतर मंतर पर धरना दे रही ये महिला क्या तो मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ कोई प्रदर्शन कर रही है या फिर सरकार से इसकी कोई मांग होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी इस महिला की मांग सरकार से नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, और मांग भी ऐसी कि जिसे आप सुनेंगे तो खुद दंग रह जाएंगे। 4-5 महीने पहले मोदी जी सपने में आए थे और मुझे बोले थे कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, मेरे से कर सकती हो, ऐसे बोले थे। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं यात्रा कर रही हूँ, लेकिन मेरे को सब लोग परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपना घर बसाना और शादी करने का पूरा फैसला कर लिया। और इसलिए मांग क्या है? मेरी मोदी जी शादी करना है। जी हाँ, तो सुना आपने, आखिर क्या चाहती है ये महिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इतना ही नहीं, महिला की माने तो वो पूरा देश घूम कर आ चुकी है और आखिर में ये फैसला किया है कि मोदी जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो भगवान का रूप है, और कोई यहाँ पे अच्छा, मोदी जी के अच्छे कर्म है, अच्छे इंसान है, इसलिए मैं मोदी जी से शादी करना चाह रही हूँ। क्या बाकी अच्छे इंसान नहीं है? हाँ, मैं सब घूम फिर के देख रही हूँ, कोई भी अच्छे नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी निकलती है। सारा भारत में घूमती हूँ, सब में कमी है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ईमानदारी पे चलता हो। मिंद्रों के अंदर घूम के देखा, हर जगह घूम के देखती हूँ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ईमानदारी पे चलता हो और ईमानदारी से रहता हो, सत्य बोलता हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। मैंने सारे भारत में घूम के देखा, इसलिए मेरे को मोदी जी पसंद है। इतना ही नहीं, महिला की माने तो वो न केवल मोदी के साथ 7 जन्मों की कसम लेना चाहती है बल्कि इसके लिए वो पीएम को 50 करोड़ का दहेज भी देने को तैयार है। 50 करोड़ देंगे, 50 करोड़ रुपया देंगे, हमारे पापा की जमीन जो नाव कर देंगे मोदी जी के, जिंदगी भर सेवा करेंगे मोदी जी के चरणों में रहेंगे, क्योंकि हमारी जो इच्छा है करेंगे पूरी, भगवान है वे तो। हाँ। वे तो सारे भारत के भगवान है, हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं, सबकी इच्छा पूरी करते तो हमारी क्यों नहीं करेंगे। खैर, जंतर मंतर पर धरने पर बैठी इस महिला की मांग वाकई में बड़ी ही अजीबोगरीब है। हालांकि महिला की मांग का पूरा होना असंभव लगता है, लेकिन महिला ओम शांति शर्मा का कहना है कि वो अपनी जिद पूरी होने के बाद ही धरना खत्म करेगी। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।